मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। प्रदेश की सभी नदियां और डैम लबालब। होशंगाबाद में नर्मदा उफान पर, छिंदवाड़ा बना टापू। राजधानी भोपाल में 24 घंटे में 2 इंच गिरा पानी। मध्य प्रदेश में हर रोज औसतन मिल रहे हैं 1250 पॉजिटिव केस। 7 दिन में 8793 मरीज। आज 60,000 के पार हो सकती है मरीजों की संख्या। शुक्रवार को प्रदेश में संक्रमितों की संख्या हुई 59,433 के पार। DRI के 3 स्थानों पर पड़े छापे। चीन और इंदौर के बीच इंटरनेशनल हवाला रैकेट का हुआ खुलासा। कम कीमत दिखा करते थे कस्टम चोरी। हर महीने 100 करोड़ से ज्यादा राशि चीन भेजने की है आशंका। कैश फ्लो के संकट से जूझ रही फ्यूचर ग्रुप की बोर्ड मीटिंग आज। ग्रुप अपना कारोबार रिलायंस को बेचने का कर सकता है फैसला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिहार चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक आज। बैठक में बिहार के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को ऑनलाइन करेंगे लोकार्पण। चेन्नई सुपर किंग्स के एक भारतीय खिलाड़ी और 12 स्टाफ मेंबर्स को हुआ कोरोना। 7 दिन और बढ़ाया गया क्वारंटाइन पीरियड। दुबई में 19 सितंबर से होनी है IPL की शुरुआत। सुशांत केस में CBI जांच का 9वां दिन। रिया चक्रवर्ती से आज फिर होगी पूछताछ। बहन श्वेता ने जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। मनोचिकित्सक ने कहा जून में दवा नहीं ले रहे थे सुशांत। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराए। एक जवान शहीद। 24 घंटे में 7 दहशतगर्द ढेर। मारे गए आतंकियों की अभी नहीं हो पाई है पहचान। तेलंगाना में 1000 करोड़ की लागत से 45 एकड़ में बन रहा है संत रामानुजाचार्य का मंदिर। 120 किलो सोने की प्रतिमा होगी स्थापित। रामानुजाचार्य 120 साल जिए थे इसलिए 120 किलो सोने की होगी प्रतिमा। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।